राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी शनिवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के गांव हापुड़ के नूरपुर में पहुंचे। यहां रालोद प्रमुख ने किसान नेता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और ग्रामीणों के साथ केंद्र सरकार के चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर खुशी मनाई। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए रालोद प्रमुख ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, इसका जवाब वो तब देंगे जब चुनाव की घड़ी आएगी। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, रालोद कितनी सीटों पर लड़ेगी ये सारी बातें समय पर होंगी। इंडिया गठबंधन से अलग होने के सवाल पर रालोद प्रमुख ने कहा कि जब औपचारिक घोषणा हो जाएगी तब वो इन सवालों का जवाब भी खुलकर देंगे, तब बताएंगे कि आखिर क्या कारण रहे और उनकी आगे की क्या सोच है और क्या अपने लोगों के लिए करना चाहते हैं। किसानों के आंदोलन पर रालोद प्रमुख ने कहा कि किसानों की सुनवाई होनी चाहिए, रालोद किसानों के साथ है, किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान जितना संघर्ष करता है, जितनी मेहनत किसान करता है, शायद और कोई वर्ग इस देश में नहीं है। सरकार को देश के मुख्य धारा में जो बातचीत नीतियां बनती हैं उनमें किसानों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, नूरपुर मेरा गांव है और सब मेरे परिवार के लोग हैं, उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। जो खुशी है वो खुशी लोगों के गाँव की विशेष खुशी है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो जब भारत रत्न से नवाजा गया चौधरी चरण सिंह जी को, तो हम सब चाहते हैं कि उस बात पे एक बड़ा संदेश पूरे देश भर में जाए। तो उन बातों पे मैं लोगों का मशवरा लेने, उनकी राय, उनके विचार समझने आया हूँ। और साग मक्के की रोटी खाई घर में बैठ कर, अब गाँव के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव भी आ गया तो किस तरीके की तैयारी रणनीति? चुनाव की घड़ी जब आएगी तब बताएंगे। अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए। कितनी सीटों का? वो सारी बातें होंगी समय पे। अच्छा सर, इंडिया गठबंधन से अलग हो रहे हैं, इसका कुछ कारण, रीजन, कुछ बड़ा रीजन या क्या कारण रहा कि इंडिया गठबंधन से? जब औपचारिक घोषणा होगी तब इन सवालों का जवाब खुल के मैं दूंगा, क्या कारण रहे, आगे की क्या हमारी सोच है, क्या हम करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, हमारे मुद्दे, सारी बात करेंगे। आज नहीं, किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। हम तो किसानों के साथ हैं, किसानों की जो मुद्दे हैं, और वास्तव में जितना संघर्ष किसान करता है शायद और कोई वर्ग ये देश में नहीं है, जितनी मेहनत किसान करते हैं और किसी को करनी नहीं पड़ती। सरकारें देश के मुख्यधारा में जो बातचीत, जो नीति बनती हैं, जहाँ वहाँ विशेष ध्यान किसानों का रखा जाना चाहिए।